भारत माता की वंदे वंदे वंदे। महेश्वरी प्रसाद कॉलेज के आज के इस समारोह में विद्यालय प्रबंधन के संरक्षक माननीय न्यायमूर्ति परम सम्मान्य श्री विक्रमनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी, माननीय सांसद श्री विनोद सोनकर जी, अध्यक्ष जिला पंचायत कोसाम्बी श्रीमती कल्पना सोनकर जी,
बहुत बड़ा योगदान है जिसके कारण आज शिक्षा की व्यवस्था में हम लोग कहीं टिक पाते हैं। याद रखना, जब भी समाज आगे होता है और सरकार पीछे होती है तो समाज प्रगति के नित नए प्रतिमान स्थापित करता है। जब सरकार आगे होती है और समाज पीछे होता है तो समाज स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए समाज आगे था तो यह देश विश्व गुरु के रूप में स्थापित हुआ। जब हमने समाज को पीछे कर दिया, परिणाम क्या था? यह देश पिछड़ता गया। आज एक शुभ लक्षण हमें दिखाई देते हैं, समाज जागरूक हो चुका है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो चुका है। उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिलेंगे और उसी भाव के साथ आज सरकार कार्य कर रही है। खासतौर पर यहां पर जितनी बड़ी संख्या छात्र छात्राओं की है उस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि पहले विद्यालयों के पास आय के स्रोत हुआ करते थे, आज वो स्रोत भी नहीं। तो सरकार ने तय किया है प्रोजेक्ट अलंकार के तहत कोई भी विद्यालय जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित है या सरकारी विद्यालय है, उन सभी विद्यालयों के हमने एक व्यवस्था दी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भवन निर्माण के लिए सरकार उसमें सहयोग कर रही है, जिसमें हमारा कहना है कि आप 75% पैसा सरकार देगी, 75 से 90% पैसा सरकार दे रही है और 10 से 25% के बीच प्रबंधन को जन सेवा के पास सीएसआर से लेकर के उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है। भव्यवान अच्छे भवन बन सकते हैं। दूसरा, हमें आज कुछ नई चीजों को अपनाना पड़ेगा। याद रखना बच्चों, आप यहां पे अध्ययन कर रहे हैं, सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ लाइब्रेरी जाने का अभ्यास जरूर करें, अखबारों को जरूर देखें, पुस्तकालयों में नई नई पुस्तकों को, जिससे आपका ज्ञानार्जन होगा, आपको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी, सफलतम कहानियों को देखने सुनने का एक अवसर प्राप्त होगा और फिर धीरे धीरे करके उसको डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में स्थापित करना है। खर्चा बहुत नहीं है, सरकार उसमें सहयोग कर रही है, विद्यालय को केवल पहल करके उसको नेतृत्व दे देना है और सरकार इसमें पूरा सहयोग कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रोजेक्ट अलंकार में बाबू महेश्वरी प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज भी चयन हुआ है और सरकार इसके लिए धनराशि इसके लिए उपलब्ध करवा रही है, जिससे यहां पर इस भवन को और अच्छा बनाने में, इसमें अन्य नए क्लासरूम बनाने में, नई लैब्स बनाने में, लाइब्रेरी बनाने में और भी अन्य चीजें यहां जन सुविधाओं को उपलब्ध करवाने में उससे उस धनराशि का उपयोग विद्यालय के लिए हो पाएगा। इसके अलावा यहां पर अभी जो न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ जी ने कुछ बातें कही, खासतौर पर यहां पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए, मैं जिलाधिकारी से कहूंगा कि वे एक अच्छा प्रस्ताव बना करके दें, जिससे यहां के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी एक उत्तम केंद्र हम यहां पर दे पाएंगे और मार्गदर्शन स्वयं प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी स्वयं कुलपति है, तो कुलपति के रूप में उनका मार्गदर्शन, उनके मार्गदर्शन में जो महाविद्यालय बने वह इस क्षेत्र की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। इसके अलावा हम सबको एक बात को और ध्यान रखना होगा। देखिए, वर्तमान में एक नया अवसर आया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अवसर दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हमें आगे बढ़ने के लिए। एक काम, हमें बच्चों को शिक्षा से, उसके पाठ्यक्रम से तो अवगत कराना ही है, लेकिन अभी से उसको कुछ नए कार्यक्रमों के साथ भी जोड़ना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट के ऐसे कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं जिनमें वे बच्चे पारंगत हो और पारंगत होकर के फिर उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच मिल सके, इस पर हमें अभी से प्रयास करना होगा, जिसमें हमने पहले ही सरकार ने 2-3 प्रोग्राम आगे बढ़ाए हैं। एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में,
जिले के अंदर कौन से ऐसी विशिष्ट उत्पाद है जिसमें रोजगार सृजन की अनंत संभावनाएं हैं, उसमें नयापन हम क्या दे सकते हैं, इसका शोध का इनोवेशन का केंद्र हमारे विद्यालयों को बनना पड़ेगा। दूसरा, विश्वकर्मा श्रम सम्मान या पीएम विश्वकर्मा योजना, परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के प्रशिक्षण के लिए भी हम लोग एक नए अभिनव प्रयोग को आगे बढ़ा सकते हैं, सरकार इसमें भी अच्छा सपोर्ट कर रही है। एक पक्ष यह विद्यालय का आना चाहिए, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपको पारंगत कर देगा। और दूसरा है स्पोर्ट्स का, खेलो इंडिया खेलो। आपने देखा होगा कि भारत ने पिछले 9 वर्ष में खेल के क्षेत्र में कुछ नए प्रतिमान गढ़े हैं, विकास की एक नई दौड़ में आगे बढ़ा है। आज हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में जाते हैं, एशियन गेम्स में जाते हैं, वहां पर हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक के ओलंपिक में सबसे अच्छा प्रदर्शन भारत के खिलाड़ियों का रहा है और एशियन गेम्स में भी पहली बार भारत के खिलाड़ियों को 100 से ज्यादा पदक प्राप्त हुए। यह हमारे नए सामर्थ्य को व्यक्त करता है। हमें स्पोर्ट्स की गतिविधियों को भी आगे बढ़ाना होगा, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अन्य उन कार्यक्रमों को जो आपको परंपरागत हस्तशिल्प के साथ परंपरागत उत्पादों के साथ जोड़ने में तो मदद करेगा ही, लेकिन खेलकूद की गतिविधियों के साथ भी जुड़ना। याद रखना, भारतीय मनीषा ने एक बात कही थी, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनों, यानी जितने भी हमारे साधन है वे सभी स्वस्थ शरीर में ही संभव हो पाएंगे, जितने भी धर्म के साधन है वे सभी स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं। इसलिए अपने शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना अपने आप को, यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और इसके लिए भी सरकार एक काम कर रही है, हमने तय किया हर जिले में एक स्टेडियम देंगे, हर विकास खंड में एक मिनी स्टेडियम देंगे, स्पोर्ट्स की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान देंगे, ओपन जिम का निर्माण करेंगे, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन चीजों के साथ स्कूल को भी जुड़ना पड़ेगा, कॉलेजेस को भी जुड़ना पड़ेगा, शिक्षण संस्थानों को भी जुड़ना पड़ेगा, खेलकूद की गतिविधियों सांस्कृतिक गतिविधियों को भी एक मंच देना पड़ेगा। आपने देखा होगा यहां पर भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर हुए हैं, चाहे वह स्वागत गीत रहा हो, राष्ट्रगीत वंदे मातरम रहा हो, कोसाम्बी की परंपरा से लेकर के जो गीत यहां पर गाया है बालिकाओं ने, कितने अच्छे भाव के साथ गाया और कितनी अच्छी उनकी ट्रेनिंग थी, क्या चीजें निकली है। प्रतिभा को मंच चाहिए होता है, व्यक्ति आगे आ रहा है, तो बालक या बालिकाएं आगे आएंगी, कोई कारण नहीं कि वह बड़ा सा बड़ा लक्ष्य प्राप्त न कर पाए।